गुड मॉर्निंग किड्स, इट्स हिंदी टाइम। टेक आउट योर हिंदी नोटबुक्स एंड मेंशन डेट, डे, कक्षा कार्य। आओ बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे ऊ की मात्रा वाले शब्द। ऊ की मात्रा वाले शब्द लिखिए। दिस इज आर हेडिंग। ओके, लेट स्टार्ट। सो किड्स, आपको ये तो पता ही है ये क्या है। ऊ स्वर। ऊ से क्या होता है? ऊन। और ये क्या है? ये है ऊ की मात्रा। क्या है किड्स? ऊ की मात्रा। सर्कल एंड स्लैंटिंग लाइन, ये आपको याद है ना? मिसने आपको सिखाया इससे पहले वीडियो में। ओके, आज हम ऊ की मात्रा वाले शब्द लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दू ध, दू ध। तो हमें ऊ की मात्रा किस व्यंजन पे सुनाई दे रही है? द व्यंजन पे। अभी ये क्या है किड्स? द। इसे हमें क्या लिखना है? दू। तो हम क्या करेंगे इसमें? ऊ की मात्रा जोड़ेंगे, सर्कल एंड स्लैंटिंग लाइन। तो ये क्या बन गया किड्स? दू और ध। दू ध, दूध। हम ऐसे नहीं बोलते दूध, दू ध दूध। झूम झूम, झूम झूम। पहले आप व्यंजनों को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, और फिर ये पहचानेंगे कि किस व्यंजन पे आपको ऊ की मात्रा सुनाई दे रही है। झ पे है ना, झ व्यंजन पे सुनाई दे रही है। अभी हमने क्या लिखा है? झ। अब हमें इसे क्या बनाना है? झू, झू म झूम, झू म झूम। और मिस ने आपको पहले भी बताया है, जिस भी व्यंजन के साथ ऊ की मात्रा जुड़ती है, उस व्यंजन का और ऊ की मात्रा का जो साउंड होता है वो क्या होता है? बड़ा हो जाता है, खींच के आता है, हमें देर तक सुनाई देता है। सूरत, सूरत। स ऊ सू रत, र त सूरत। पूनम पू, अभी क्या बना है किड्स? प। अभी हमें इसको क्या लिखना है? पू। तो क्या जोड़ेंगे? ऊ की मात्रा, सर्कल एंड स्लांटिंग लाइन। पू नम, न म नम, पूनम। मच बूर, मच बूर। म ज बूर, ब। अब ये क्या बना है? ब र। अगर मैं ऐसे लिख दूं क्या बन गया ये? म ज ब र। पर हमें क्या लिखना है किड्स? मच बूर। तो किस शब्द पे आपको ऊ की मात्रा सुनाई दे रही है? ब व्यंजन पे। ओके, तो हमें ब व्यंजन पे क्या लगाना है? ऊ की मात्रा। अब ये क्या बन गया? रीड करेंगे दोबारा से। म ज मच, ब ऊ बू र, मच बूर। पालतू, पालतू। पा ल तू, तू। किस व्यंजन के साथ ऊ की मात्रा जोड़ी हमने किड्स? त व्यंजन पे। पाल तू, वेरी गुड। जब भी आप बोलकर लिखेंगे तो आप सही व्यंजन पे मात्रा जोड़ पाएंगे और शब्द को सही ढंग से लिख पाएंगे।
नेक्स्ट हम लिखते हैं नी टू, नी टू। न, अब हमें से क्या बनाना है, नी, बड़ी की मात्रा नी, जो बड़ी की मात्रा होती है व्यंजन के राइट हैंड की फ्रेंड होती है ना किड्स, याद है ना आपको, टू नी टू। ट व्यंजन पे हम जोड़ेंगे उ की मात्रा, क्या शब्द बन गया, नी टू। रूमाल, हम ऐसे नहीं बोलते, रूमाल, रूमाल। और अब हमारा कौन सा व्यंजन आ गया, नॉटी व्यंजन र, ये आपको याद है ना, र व्यंजन हमारा क्या है, नॉटी है। ये क्या करता है, ऊ की मात्रा को ना तो अपने सर पे आने देता है ना अपने पैर पे आने देता है, हमें क्या करना पड़ता है, इसकी कमर बांधनी पड़ती है हमें, किससे, ऊ की मात्रा से, याद है ना आपको ये सब, वेरी गुड। अब हमें कौन से व्यंजन पे ऊ की मात्रा सुनाई दे रही है किड्स, र व्यंजन पे, रू, और हम र पे कैसे लगाएंगे ऊ की मात्रा, अगेन सर्कल एंड स्लांटिंग लाइन, रू माल। किड्स आप ये ध्यान रखेंगे कि हमारे सारे व्यंजनों में सिर्फ एक र व्यंजन ऐसा है जो थोड़ा सा नॉटी है, जिसके हम पैर में ऊ की मात्रा ना लगाकर उसकी कमर में लगाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा नॉटी है तो हम उसे ऊ की मात्रा से उसकी कमर से उसे बांध देते हैं। ओके किड्स, तो एक बार सारे शब्द हम फिर से बोलते हैं, आप मेरे साथ बोलिए, दू ध दूध, झू म झूम, सू र त सूरत, पू न म पूनम, म ज बू र मजबूर, प आ पा ल त उ पाल तू, न ई नी ट उ टू नी टू, र उ रू, म आ मा ल रू मा ल। और किड्स आपको एक बात और ध्यान रखनी है, हमें इसको द बोलना है, दे उ दू नहीं बोलना, क्योंकि इस व्यंजन पे कोई और मात्रा नहीं है, तो हम इसे दे या दा दा उ दू नहीं बोलेंगे, हम इसे सिर्फ सिंपल द बोलेंगे, ध बोलेंगे। ओके किड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।